अखाड़े के महामंडलेश्वर यतेंद्र नंद गिरी का बड़ा बयान मुसलमानों को लेकर। यतेंद्र नंद गिरी ने कहा, अधिकार न होते हुए भी जब मुसलमान की भूमि दे दी गई है तो मुसलमान यहाँ क्या कर। मुसलमानों को जब उनकी भूमि दे दी गई, उनके लिए ना अधिकार होते हुए दे दिया गया, तो भारत में मुसलमान क्या कर रहा है? भारत का मुसलमान भारत में रहने का अधिकारी नहीं है। भारत में अगर वह रहता है तो शरणार्थी के रूप में रहे, उसका वोट का अधिकार उससे वापस लिया जाए और वह यहाँ पर द्वयम नागरिक दर्जे का नागरिक होना चाहिए। वह यहाँ के संसाधनों का भरपूर लाभ उठा रहा है और भारत की संस्कृति को, भारत की सरकारों को रोज गाली देता है, रोज उस पर आघात करता है। जो भारत की संस्कृति को आज तक अपनाने को तैयार नहीं है, वो भारत का नागरिक होने का भी अधिकारी नहीं है। वह द्वयम दर्जे का नागरिक बनना चाहिए और वोट का अधिकार उसका समाप्त होना चाहिए। अच्छा, यूपी में कांग्रेस ही लगातार हिंदू हिंदुत्व पर कमेंट कर रहे हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या सलमान खुर्शीद हो या राशि द्रवी या प्रमोद कृष्णम, लगातार कांग्रेसी आखिर हिंदू हिंदुत्व के खिलाफ बोलकर क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस ने तो ठान लिया है कि वो अपने ताबूत में आखिरी कील इसी पीढ़ी में ठोकेगी और वो अपने ताबूत में, मरे हुए ताबूत में, सड़े हुए ताबूत में कील ठोकने का काम कर रहे हैं और वो जो काम कर रहे हैं हमें बड़ी खुशी है। जल्दी है, जितना जल्दी हो वो खत्म हो, क्योंकि देश को जितना नुकसान कांग्रेस ने पहुंचाया है किसी ने आज तक पहुंचाया नहीं। जल्दी से ये समाप्त हो, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं इनकी बुद्धि ऐसी बनी रहे, ये रोज ऐसे बोलकर अपना अंत स्वयं करते रहे। अच्छा, पीएम मोदी और श्री योगी आदित्यनाथ की पहल से अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और यूपी चुनाव से पहले सभी योगी को हटाने के अखिलेश यादव छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं, ऐसे में संत समाज मोदी योगी और बीजेपी के लिए क्या करेगा? देखिए, जो छोटे छोटे दल हैं आज उनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया है और हम तो चाहते हैं जितनी हिंदुत्व विरोधी शक्तियाँ हैं वो सब राष्ट्र विरोधी शक्ति भी हैं, क्योंकि हिंदुत्व ही यहाँ का राष्ट्रीयत्व, वो देशद्रोही भी हैं। वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाएं तो कम से कम पता तो लगेगा, जिस प्रकार से महाभारत के समय पता लग गया कौन धर्म के साथ है कौन अधर्म के साथ है। विजय धर्म की होगी। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से एक बार नहीं बार बार योगी जैसे ही अकर्मशील, कर्मठ, योग्य, हिंदुत्ववादी और सक्षम लोगों की सरकार बार बार बनेंगी, बार बार बनेंगी। अब देश की जनता किसी के भ्रमक प्रचार में आने वाली नहीं। सर, हिंदू राष्ट्र घोषित करने की लगातार मांग की जा रही है भारत को। बिल्कुल, भारत का भविष्य तब तक सुरक्षित नहीं हो सकता जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित ना हो। आज दुनिया में 50 ऐसे देश हैं जो अपने को ईसाई देश कहते हैं लेकिन सबके साथ मिलकर रहते हैं। आज 50 देश ऐसे हैं जो इस्लामिक देश हैं, शरीयत के कानून पर चलते हैं, लेकिन कुछ देश सबके साथ फिर भी मिलकर चलते हैं और कुछ देश तालिबान को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो सबको साथ लेकर चलता है, सबको एक ही परमात्मा की संतान कहकर विश्व बंधुत्व की बात करता है, ऐसा सनातन हिंदू धर्म को मान। उत्तराखंड के सीएम ने भी कहा कि वे जनेऊ पहनते हैं, हिंदू हैं। चुनाव आते आते सभी विपक्षी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, हिंदू होने का नाटक कर रहे हैं। ऐसे में असली हिंदू कौन है, जनेऊ पहनने वाले या नाटक करने वाले? जो असली हिंदू है, पिछले दिनों टीवी पर मेरे से पूछा गया था कि आज जो राम को नकारते हैं, राम के अस्तित्व प्रश्न खड़े करते थे, राम को मानते नहीं थे, राम को काल्पनिक कहते थे, जिसको देखो अयोध्या जा रहा है, जिसको देखो अयोध्या जा रहा है, बड़े बड़े चंदन लगाकर जनेऊ पहनकर जा रहा है, तो राम जी किसके होंगे? मेरे को आज तक ने चैनल पर पूछा था, रिपब्लिक भारत ने भी पूछा, हमने एक ही उत्तर दिया कि जो राम जी का होगा राम जी उसी के होंगे। और राम जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है, आज तक तो रिपब्लिक भारत जी का मिल गया मैं चैनल जी का चलेगी ना, चैनल फिर चलेगी नहीं, फिर क्या फायदा हो जाएगी, खराब हो जाएगी। मैं चैनल जी मतलब ये वाला चैनल अलग ही सब आपके हैं, मीडिया में कह रहे हैं, मीडिया में मीडिया में रिपब्लिक भारत से ये बैठे हुए हैं, दोबारा कह रहे हैं चलेगी नहीं, दोबारा कह रहे हैं चल मीडिया जी का कर दीजिए, वाला नाम मत खोलिए। गुरु जी, अभी हिंदू उत्तराखंड के सीएम ने कहा था कि बेजनेऊ पहनते हैं, हिंदू हैं,
चुनाव आते आते थे विपक्षी मंदिर, विपक्षी लोग जो पार्टियां मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, ऐसे में हिंदू होने का नाटक भी कर रहे हैं, तो असली हिंदू कौन है, जनेऊ पहनने वाले या जो नाटक कर रहे हैं वो लोग? यह प्रश्न पिछले दिनों